घड़ा दिखाई दे जाए तो समझ लेना अशगुन हो गया। आप जा रहे हो किसी काम से और बीच रास्ते में दो स्वान कुत्ते लड़ जाए आपके सामने, समझ लेना अशगुन हो गया। और सबसे बड़ा अशगुन अगर कोई है तो वो ये है कि अगर दो चार महीने के लिए पति बाहर जा रहा है नौकरी के लिए और पत्नी रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा अशगुन कोई और नहीं होता। ये होते अशगुन। और सगुन जो होते हैं, अगर आप किसी काम से घर से निकले और कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय बीच रास्ते में अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए, समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध की भरी बाल्टी लेके निकल रहा है, समझ लो काम पूर्ण हो गया। और आप बीच रास्ते में जा रहे हैं किसी काम से और मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। अब रही बात माताओं की, माताएं ध्यान दें। ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि माताएं दो चार काम घर में ऐसे करती हैं जिसको करने से 100% घर में गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम को चाहे 10 बजे या 11 चाहे 12, लेकिन जूठे बर्तन घर में नहीं छोड़ने चाहिए। कोई रिश्तेदार भी आ जाए घर में लेट, वो खाना खा ले उसके बाद बर्तन अवश्य धुलिए, लेकिन ऐसे मत सोइए क्योंकि घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। तीसरी बात, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। चौथी बात, जो माताएं होती हैं वो शाम को आटा लगा करके और फ्रिज में रख देती हैं, बोलती है अगर आटा बच गया तो इसकी सुबह रोटियां बना लेंगे खा लेंगे। हम नहीं भैया, बहुत बड़े संत कहते हैं कि सुबह शाम का लगा हुआ आटा सुबह रोटियां बना के नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो एक मुर्दे के समान होता है। बोली गोविंद भगवान की, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और शमशान के रास्ते से जा रहे हो, कितनी भी मजाक चल रही हो आप लोगों में, लेकिन कभी भी उस रास्ते में हंसना नहीं चाहिए। रही फ्रिज की बात जो अभी समझा रहे थे, पहले यहां दादा हमारे बैठे हैं, इनसे पूछो जब फ्रिज नहीं थे तो एक घड़े जो मिट्टी की आंडी होती थी घड़ा, उसमें पानी रखा जाता था और वो पानी चाहे किसी भी टाइम पी लो कोई नुकसान नहीं करता था। आज भी अगर मिट्टी की हांडी में अगर दाल बनाओ तो वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। कुकर में दाल बनाना, सुबह की दाल शाम को बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो विशेष ध्यान दें माताएं, आज शिशुपाल जब चला है तो अशगुन होने लगे। हुआ क्या, भाभी करने लगी तैयार और बेटा पैर पटा से रपटो। तैयार पंचो पैर पटा से लपटो। ज
जब छीक भई अतिवारी सब हसन लगे दे तारी जब छीक भई अतिवारी सब हसन लगे दे तारी अब होवे वो करतार भैया पैर पटाशे लपटो शिशुपाल तब भी नहीं मान रहा। बारात लेकर के पहुंचा, रुक्मणी ने सुना है कि शिशुपाल आ चुका, तो भगवान से ध्यान करने लगी है मुरली मनोहर। अगर आप नहीं आए तो मेरे दो पैसे की हो जाएगी। और ये हमारे परम श्रद्धेय चाचा जी श्री महेंद्र सिंह यादव जी पाली से 251 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया परिवार में हमेशा सुख और संपत्ति प्रदान होती रहे। समस्त स्टाफ को सम्मानित किया, भगवान की इच्छाएं हमेशा पूर्ण करते रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। और ये दादाजी
201 रुपए से सम्मानित कर रही है, समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही है। भगवान से कामना है कि ये कन्हैया यूं ही परिवार में हमेशा धर्म के कार्यों में लोग हाथ आगे को बढ़ाते रहें, किसी भी बात की कमी न हो। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती का आशीर्वाद ऐसे परिवारों पर बना रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका, तो भगवान से ध्यान किया है कि कन्हैया अगर आज आप नहीं आए तो मेरे दो पैसे की हो जाएगी, गोविंद आना तो पड़ेगा, आ जाइए। का बोली है, अरे अपनी कुल की चाहो तो मन बेदा कराई ले जइयो कन्हैया, हमें लिवाई ले जइयो। की चाहो तो मोहन